सभी का स्वागत है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। और भाई पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अभी टाइम कितना हो रहा है वो आप लोग देखो, ठीक है। अगर मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ तो टाइम हो रहा है 23:46 और लगभग लगभग भाई साढ़े ग्यारह नहीं, मतलब 12 बजने को करीब करीब है। और भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को वीडियोज बनाकर दे सकूँ अभी इस टाइम पर, तो यार प्लीज भाई इस मिनट के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मैं भाई चाहता हूँ कि मैं जो अपना जो इंपॉर्टेंट नॉलेज मुझे मैंने मतलब लिया है, नॉलेज मतलब बेसिकली यार मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह देखा है, मैंने जो मतलब रिसर्च वगैरह किया, मैं आप लोगों को भी बता सकूँ, आप लोगों का भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि यार 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सभी को पता है। तो क्यों ना मैं आप लोगों का भी हेल्प करूँ, मेरा भी देखो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा भी अच्छा हो रहा है, आप लोगों का भी अच्छा होगा, तो इसलिए भाई वीडियो को लाइक कर दो, साथ में अच्छे से टॉप करेंगे भाई बोर्ड्स में, ठीक है। तो यार आज का जो क्वेश्चन है वो मैंने लिखा तो नहीं है, बट यार एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 होने वाला है, ये रेफरेंस डाल रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रहा हुआ है 7 × 11 + 7 लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ 7 × 13 + 13। ये अपना पहला पार्ट है, ठीक है, और ये अपना दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कहता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है कि ये आपको आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है कि ये जो सेट है और ये जो सेट है ये प्राइम नंबर्स आप बोल सकते हो या फिर कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों, प्राइम नहीं सॉरी प्राइम मेरे मुंह से गलती से निकल गया। आपको बेसिकली एक्सप्रेस करना है ये जो चीज है और ये जो चीज है ये एक कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली यही चीज है वो करना है क्वेश्चन के अंदर, और जो मेन काम अपना करेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो वही हमारा मेनली काम कर जाएगा, पिछले वीडियो का जैसे मुझे छाप देना है। लेकिन यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मैं नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई इंपॉर्टेंट भाई सारे क्वेश्चन होते हैं जो भी मैं अपने चैनल के ऊपर डालता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है और मुझे दिखा भी नहीं अभी तक, एक बार भी मैं उसको डालता ही नहीं हूँ अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज देखना, मुझे क्वेश्चन देखने को मिला था कहीं कहीं हाफ ईयरली के पेपर्स पर, ठीक है। तो मुझे नहीं पता यार ये बोर्ड्स में प्री बोर्ड्स में आएगा या नहीं आएगा, बट हाफ ईयरली के पेपर में कन्फर्म आया था। तो अगर आप चाहते हो कि यार आप इसको भी पढ़ दो तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कहने का भाई लिखा क्या है, अब बेसिकली यार हम लोगों को क्या करना है ना, इसमें जो दोनों नंबर से पहले तो आप उसको क्या करो, आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। देखो यहाँ पर ये जो सेट है इसमें आपको दो नंबर्स जो है वो कॉमन मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 13 यहाँ पर भी इधर भी है, इस सेट में आपको दो नंबर्स कॉमन मिलेंगे, यहाँ पे 5 इधर 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज हम लोग कॉमन मिल रहा है हम लोग उस सेट से उसको बाहर ले लेंगे, बस हम लोग को यही करना है फॉर द टाइमिंग। हम लोग सेम जो चीज मैंने आपको बोला हम लोग फिलहाल उस चीज को ही करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1 से करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या लिखा है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, ये चीज अपन लोगों को दिया हुआ है, तो कॉमन है हम लोग ले तो 13 कॉमन आ जाएगा, जो भी चीज कॉमन हो जाएगा वो कॉमन बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में 7 × 11 13 हम लोग ऑलरेडी इसके जगह 1 लिख लेंगे और प्लस में भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो 13 तो बाहर का बाहर ही ऐसा कैसे रहेगा, ब्रैकेट में 7 11 का कितना होता है 11 7 77 होता है, 77 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 ही हो जाएगा, तो 77 में प्लस में 1, ठीक है। तो ये फाइनली आपका 13 × 78 भाई इसका आपका ये चीज जो मिल गया, और फिलहाल आपको यही करना था। अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यहाँ पर ये यह है ना, आपको 78 को जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि आप 78 को इस तरीके से जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसका, तो आपको कुछ नंबर मिलेगा 2 मिल जाएगा, 2 से आप 3 से करोगे, तो मैं बेसिकली कर रहा हूँ आप लोग मेरे साथ कर सकते हो अपने कॉपीज में, 2 × 3 = 6 हो जाएगा 189, ठीक है। और यहाँ पे 13 कर सकते हो 3 13 13 1, ठीक है, बस मैंने कर दिया सॉल्व। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 13 ऐसे कैसे लिख देंगे, 78 की जगह हम लोगों ने जो भी उसका प्राइम फैक्टर निकाला वो लिख देंगे 2 × 3 × 13, ठीक है। ये अपना पहला पार्ट निकल गया, ठीक है, आपको बस यहीं तक रहने देना। हम लोगों ने क्या किया, जो भी नंबर उसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आप लोगों ने सॉल्व किया, जो भी हमारा नंबर 78 आया यहाँ पर उसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, उसके बाद जो नंबर हम लोगों ने मिला उस हम लोगों ने सेट कर दिया। इसका आप लोग क्या करो, वीडियो को पहले पॉज कर दो, उसके बाद आप लोग खुद से करो इसका, और अगर आपसे नहीं होता तो आप लोग वीडियो को देखो, वरना अगर आपसे हो जाता तो आप लोग मैच कर लो आंसर क्या है, मैं करना चालू करता हूँ, ठीक है। तो पार्ट टू क्या है, यहाँ लिख लेते हैं पार्ट टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा है जो कि भाई कॉमन देखने को मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है 5 देखने को मिल रहा है, प्लस में भी माइनस में भी, आपको नहीं ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। ट्रिक सिंपल सा है, प्लस के बाद जो भी नंबर होगा वही कॉमन होगा, यहाँ पे देखो प्लस के बाद 5 है,
तो इधर भी 5 है, यहाँ पे प्लस के बाद 13 है, इधर भी 13 है। तो सिंपल से कॉमन सेंस लगाना है आपको, मैंने ट्रिक बता दिया। हालांकि हर केसेस में ये ट्रिक काम करता है अभी तक तो, बाकी मुझे नहीं पता कि और कोई क्वेश्चन होते कि नहीं होते। जहां तक मैंने आरडी शर्मा में देखा, आरडी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में भी मुझे अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले जहां पर प्लस के आगे में कुछ डिफरेंट नंबर है। बट यार वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि हॉट्स लेवल का हो जाता है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार काम नहीं है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में 5, 7 इंटू 6 इंटू यहाँ 5 का जगह 1 कर लेंगे। जहां पे जो सेम नंबर है तो सेम नंबर लिखेंगे नहीं, उसकी जगह पे 1 हो जाता है इंटू 1 प्लस में भी यहाँ पर 5 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ध्यान से तो 5 एज इट इज बाहर आ जाएगा। देखो अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 7 6 हो जाता है 42, मैं भाई गलती से मिटा दिया। ठीक है, 42 मैं मेंटली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी मेंटली सॉल्व करना सीखो यार, ज्यादा अच्छा रहता है एग्जाम में। तो 7 6 हो जाता है 42, क्या है भाई क्या कष्ट किया आपको ये, 7 6 हो जाता है 42, 42 में अगर 4 1 से मल्टीप्लाई करोगे 44 ही 42 ही आएगा, 42 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16 2 4 8 168 हो जाएगा। ठीक है, 168 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ 168 को 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो 103 हो जाता है। कर लेते हैं भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाएगा तो फिर आप लोग मुझे बोलोगे कमेंट्स वगैरह में। तो 168 को 3 से करना है, 38 24 हो जाता है, 2 कैरी हो जाता है, 36 18 22 कैरी, 31 3 5, और 504 को अगर आप 2 से करोगे तो ये अपना हो जाएगा 1008। ठीक है, और प्लस में 1 यानी कि 1009, यहाँ पे मैंने पूरा पूरी ब्रेकडाउन किया इसका, तो 1008 प्लस 1 ये हम लोगों का निकल कर आ गया। मैंने आपको मेंटली यहाँ तक सॉल्व किया, और यहाँ पर जो 168 मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 504 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1008 मिल गया, और यहाँ पर प्लस 1 था मैंने वो सिंपली लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ कि मुझे यहीं तक करना था या फिर और कुछ करना था, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंपली 5000 और ये 1009 इंटू में 1 लिख सकता हूँ, मुझे क्योंकि एक नंबर सही ना अंदर में तो वो सही रहेगा। बस अब यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं करना, चाहो तो इसका आप निकाल सकते हो, बाकी आप देखो इसको भी आप 78 एज इट इज रख सकते थे, बट क्योंकि यार हम लोगों ने इसका निकाला तो आपको इसका भी निकालना होगा। ठीक है, तो आप इसका निकाल लेना, मैं इसका नहीं निकाल रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए भाई होमवर्क है, तो वो आप इसका निकाल लो। अब यहाँ पर हम लोगों को भाई एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आप लोग अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो ये और ये करने का आपको, वैसे 2 मार्क्स का नहीं आता ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो जहां पर 3 मार्क्स के लिए नहीं आता, सॉरी भाई 2 ही मार्क्स के लिए आता है, यहाँ पर आपको इसके लिए हाफ मार्क्स मिलता है, इसके लिए हाफ मार्क्स मिलता है, और एक स्टेटमेंट है बेसिकली थ्योरम है उसको आपको स्टेट करना पड़ेगा, उसका मिलता है 1 मार्क्स। तो यही है बेसिकली, अब 1 मार्क्स किसका मिलता है, क्या स्टेटमेंट का मिलता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखो आपको लिखना पड़ेगा, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बेसिकली, हियर वी फाइंड बोथ द गिवन एक्सप्रेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड फर्दर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दस बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द गिवन एक्सप्रेशन मस्ट बी कॉम्पोजिट नंबर्स। मैंने जो बोला आप लोग थोड़ा सा सुन सुन के एक काम करो, उसको लिख लो, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर उतना जगह भी स्पेस थोड़ा कम है। बेसिकली मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर हिंदी में, कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन जो है और यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन जो है, हम लोग इनको और ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कैन एक्सप्रेस द प्रोडक्ट, यहाँ पर सिंपली तो मैंने देखा ना 78 हम लोग को जो मिला उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1009 हम लोग को जो मिला उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली वही देख रहे हैं कि हम लोग को जो नंबर्स मिला उसको हम लोग ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये जो भाई जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है और ये कॉम्पोजिट नंबर्स है, बस सिंपल सा चीज है और कुछ नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हम लोगों ने देखा हम लोगों को लास्ट में क्या मिला, सब कॉमन वॉमन लिया, 78 मिला या 1009 मिला, इसको आप फर्दर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो उसका, इसका भी कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप कर सकते हो इसका मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये जो चीज है वो यूनिक है और ये कॉम्पोजिट नंबर है, बस और कुछ नहीं। मैंने रीड आउट कर दिया एक बार, आप उसको चाहो तो थोड़ा सा वीडियो को मतलब पहले कर लो और वहां पर आप सुन सुन के आप लिख लो तो सही रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो आता है एग्जाम में, मतलब मैं अभी उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं करूंगा जितना मैं बाकी क्वेश्चन के ऊपर कर रहा था, बट हाँ कुछ हद तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट हाफ मिलेगा, ये पॉइंट हाफ मिलेगा, मैंने जो स्टेटमेंट बोला उससे एक मार्क्स मिलेगा, कुल मिला के 2 मार्क्स आप लोग इजिली फेंक सकते हो। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, और फिर से मैं बता रहा हूँ भाई यहाँ पर जो टाइम है आप देख सकते हो कि टाइम कुछ भाई टाइम वाइम छोड़ो यार, लगभग 11:55 हो गया है, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, रात में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।